हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, मेरे वीडियो सेक्शन में जाना, आया ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, काफी बेहतरीन वीडियो है, बिग अपॉर्चुनिटी है 40% के रिटर्न कमाने की। ओके, और ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको आपको इतना खासा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। बहुत अच्छे शेयर भी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड दोबारा बातें करने जा रहा हूँ, और बड़ी अपॉर्चुनिटी इनमें भी है और ये शेयर आपको भागते हुए नजर आएंगे। क्यों भागते हुए नजर आएंगे, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी क्यों है, ये शेयर हमें एक्युमुलेट क्यों करने चाहिए, और डिविडेंड भी यहाँ पर मिलता हुआ हमें नजर आया है, वो भी अच्छा खासा। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने हमारे चैनल के साथ जोड़िए, ताकि हम सब आगे बढ़ के एक पैसा कमा सके। तो आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं, और इस बताना चाहता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक और है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ श्री राम जी का रहते हैं, मैं मंदिर बन रहा है, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, और आप यहाँ पर इनकी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं। दान देना बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखें तो देखिए कोविड का केसेस आपको पता ही है बढ़ता जा रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, तो काफी चीजों पे देखिए अच्छा खासा असर पड़ता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ दिनों से तो गोल्ड का प्राइस आप यहाँ पर देखेंगे बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, फिर यहाँ पर डाउन आया, ओके, इसके बाद ऊपर गया, और अगर मैक्सिमम यहाँ पर 1 ईयर का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर गोल्ड कभी 57-58 हज़ार पे चलता था। ओके, और फिर इसके बाद अगस्त के बाद यहाँ पर देखिए सीधे नीचे गिरते 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 कम पर लगभग 4500 के आसपास आया, 45,000 के आसपास आया, और इसने अब दोबारा जंप दिखाने ही शुरू कर दिया। जैसे जैसे कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक तरीके से समझ सकते हैं गोल्ड भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, गोल्ड हमेशा ही अच्छा एक वैल्यू माना जाता है, रखना ही चाहिए इसे अपने साथ। तो हम बात करने वाले हैं कुछ 2 शेयरों से रिलेटेड जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर गोल्ड का प्राइस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 साल की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर अप्रैल में जब गोल्ड लगभग इसी रेट पे था तब भी देखिए कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो और यहाँ पर अच्छा खासा इस यहाँ पर ये मतलब अगर बात करें गोल्ड बढ़ता हुआ हमें नजर आया था। तो इसी तरीके से 2 शेयर मार्केट में गोल्ड से रिलेटेड है जिनसे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, बात करने वाले हैं। देखिए आपको सभी को पता ही है मुथूट फाइनेंस और अन्नपूर्णा, 2 शेयरों की बात करने वाला हूं यहां पर। तो क्यों फायदा हो सकता है, क्या रीजन है, तो सिंपल दिखाना चाहता हूं यहां पर। पहली बात तो शेयर में गिरावट हो रही है, ओके, मार्केट गिर रहा है तो ये शेयर भी गिर रहा है, बट अगर हम यहां पर देखते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो 1 साल के चार्ट पैटर्न में कहानी कुछ अलग है। यहां पर ये शेयर यहां पर अगर देखते हैं तो 16 अप्रैल को, ओके, ये शेयर यहां पर 693 रुपए पर चलता था, बट उसके बाद यहां पर 1 साल जंप लगाई और शेयर भागता भागता लगभग 1450-1400 रुपए के आसपास गया, अगर देखे तो 1400 रुपए तक है। फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट और ये कंसोलिडेशन फेज में अभी तक चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्प्लिट की न्यूज थी, स्प्लिट यहाँ पर दिया नहीं है। यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई में, यहाँ पर 3 जुलाई को यहाँ पर स्प्लिट की न्यूज यहाँ पर दी गई थी, बट उस क्वार्टर में स्प्लिट दिया नहीं, पोस्टपोन कर दिया, याद रखना मैं कह रहा हूँ पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं किया, ओके, और पोस्टपोन कर दिया, तो यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ हमें नजर आया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से अच्छा खासा गिरावट हुई थी, 1000 रुपए तक शेयर आया था, उसके बाद इसी दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी यहाँ पर इस कंपनी ने पहली बार तो डिविडेंड दिया है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिविडेंड की न्यूज भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंपनी डिविडेंड देते हुए नजर आया है, यहाँ पर देखिए 20 रुपए का डिविडेंड है, और इसकी रिकॉर्ड डेट कब है, इसकी रिकॉर्ड है आई थिंक 21st है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स डेट है 22, ओके, आपको 21st तक आपको ये शेयर खरीद अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। आप 21st तक आप शेयर रखते तो 20 रुपए पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा, और कंपनी काफी बेहतरीन है, गोल्ड के मामले में सबसे अच्छी है, और 73% के शेयर प्रमोटर के पास है, बाकी FIIs ने बढ़ के यहाँ पर खरीद रखा है। तो अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, कंपनी काफी बेहतरीन है, इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, ओके, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेशन फेज से निकलता हुआ बाहर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर
कुछ और यहाँ पर चीज की, तो ये देखिए बहुत कम RSI पे, अगर बात करें 35 और 37 के RSI पे ये कंपनी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। जब भी इसी रेंज में ये शेयर आता है ना, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर भी नीचे आया था, फिर उसके बाद अच्छी खासी रैली बनाई, फिर डिप मिला था, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा इसी रेंज में आया। ओके, यहाँ पर देखिए 32 के RSI पे फिर भागता हुआ नजर आया, और अब दोबारा जैसे जैसे गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, ओके, तो अगर गोल्ड का दाम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर भी हमें भागता हुआ नजर आएगा। आज के दिन भी अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर नीचे काफी गिरा था, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा गिरा था, फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी इसने जंप भी लगाई थी, और ये शेयर अभी नीचे देखने वाला नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ रिजल्ट आएंगे तो शायद अगर ये शेयर 1400, 1500, 1600 पे गया, जो कि मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए क्योंकि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा एक रैली आएगी, और रैली आएगी तो ये कंपनी दोबारा स्प्लिट देती हुई नजर आएगी, जो कि लास्ट टाइम नहीं दिया था, और ये अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दूसरी कंपनी मन्नापूर्णम हमेशा मैंने आपको बताया जब भी इस रेंज में आता है ना, इसके बाद अच्छा खासी रैली बनाता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी, यहाँ पर ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा चल रहा था, फिर अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ा, और फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज सेम चार्ट पैटर्न मुथूत की तरह ही बनाता है, ये भी मुथूत को ही फॉलो करता है, इसका छोटा भाई कह सकते हैं। अच्छी खासी ब्रांचेज है, अच्छा ये लोन वगैरह इससे रिलेटेड मैंने अलग वीडियो भी बनाई थी और बताया था, इस शेयर को खरीदी, 18,000 शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं, कंपनी अच्छी खासी है, प्रमोटर के पास शेयर 34% है, बाकी FIDIs की कंपनी कह सकते हैं इसे, और कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है, उसी तरीके से नहीं लेती बट हाँ कंपनी डिविडेंड भी देती है और अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश करती है, तो इस कंपनी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये मुथूत को टक्कर देने वाली कंपनी है और काफी बेहतरीन कंपनी है। अगर इसका भी चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं मन्नापूर्णम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इशू इसके साथ भी है, यहाँ पर ये भी कितने RSI पे चल रहा है, अगर बात करें तो ये भी यहाँ पर 36 के RSI पे चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी लगभग 150 के आसपास, आपको बताया था कि खरीदिए, उसके बाद और गिरावट हो गई है, मार्केट में गिरावट है क्योंकि, तो यहाँ पर फिर दोबारा एक रैली आएगी जस्ट बिकॉज वही सेम सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर एक तो RSI को देख सकते हैं, RSI के हिसाब से भी काफी लोग काम करते हैं कि RSI ऊपर गया तो बेच देते, ऊपर नीचे आया था फिर दोबारा खरीद लेते हैं, दूसरी बात गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसे बिल्कुल इसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये शेयर काफी बेहतरीन है, फिर लगभग 40 रुपीज का अपसाइड ये आपको अच्छा खासा दे सकता है, तो 40 रुपीज का अपसाइड आपको पता ही है कितने परसेंट के रिटर्न बन जाते हैं, तो अंडर एस्टिमेट मत करिए। और इसके अलावा फाइनेंस की, इसके फाइनेंशियल की बात कर ले, मार्केट कैपिटल देखिए लार्ज कैप कंपनी है, मुथूत की बात कर रहे हैं अभी हम, 47,000 करोड़ रुपीज की कंपनी है, डेट की बात, इक्विटी की बात करें कंपनी का डेट है क्योंकि बोरिंग का काम है, ऑब्वियसली बात है, प्लेसिंग कुछ नहीं है। ओके, ROC की बात करें 16% की ROC पे काम करती है, काफी अच्छा है यहाँ पर नजर आ रहा है ये सब चीज। अगर बात करें यहाँ पर CAGR तो 35% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी आपको रिटर्न देती हुई नजर आ रही है, इसे अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखना है, गोल्ड से रिलेटेड काम है और इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में नंबर वन है मुथूत कंपनी। सेल्स देखिए, सेल्स का ग्रोथ है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, 2280 करोड़ के आसपास। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 508 करोड़ रुपए के प्रॉफिट, 991 करोड़, मतलब अगर बात करें 2 साल के अंदर अंदर डबल आपका प्रॉफिट हो गया है। ईयरली बेसिस पर भी देखिए यहाँ पर 10 साल के अंदर 98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यहाँ पर 3542 करोड़ रुपीज का हो गया, तो ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट किया करते हैं जो कंसिस्टेंसली आपको परफॉर्मेंस करके दिखाती है। रिजर्व काफी बेहतरीन, 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, बोरिंग का काम है तो बोरिंग है ही, ऑब्वियसली बात है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है 8,500 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, FIs ने 15%, DIIs ने 7% और बाकी 4% जो कि ना के बराबर है वो किसके पास है, वो है पब्लिक के पास। ओके, तो अच्छा खासी कंपनी है, इसके तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा बात कर ले मन्नापूर्णम की, तो मन्नापूर्णम भी सेम कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, वो लार्ज है, ये मिड कैप कंपनी है, ROC दोनों का सेम है, डेट इक्विटी रेशियो लगभग दोनों का सेम है, बट प्लेसिंग की बात करें 0.1% का प्लेसिंग है जो कि ना के बराबर है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंपनी काफी अच्छी है। बात करें ये 40 के CAGR से आपको रिटर्न देती हुई नजर आ रही है, और बात करें रेवेन्यू यहाँ पर भी देखते ही देख लिए,
रेवेन्यू 887 करोड़ रुपीज से बढ़ते बढ़ते दो साल के अंदर अंदर डबल हो गए 1644। नेट फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 692 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट, लगभग दोगुना यहाँ पर प्रॉफिट दोगुना से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस बढ़ गया है आपका दोगुना, ईपीएस हो गया, नेट प्रॉफिट आपका दोगुने से ज्यादा हो गया है, तो इस चीज को आपको देखना है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट देखें, 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 10 साल पहले था और अभी बात करें तो 1651 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो ऐसी ही कंपनी में पैसा लगाना है आपको, भूल जाना है और ये कंपनी आपको पैसा बनाती हुई खुद नजर आएगी। रिजर्व्स अच्छे खासे रिजर्व्स है, बोरिंग ऑब्वियसली बात है कंपनी बोरिंग का काम करती है, बोरिंग देगी इन्वेस्टमेंट 61 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट, कैश अच्छा खासा है 4700 करोड़ रुपए का कैश, एसेट बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 35% की है, FIIs यहाँ पर 39% रखते हैं, DIIs यहाँ पर 8% रखते हैं। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक यहाँ पर पहले डॉली खन्ना का भी था बट यहाँ पर डॉली खन्ना ने यहाँ पर निकाल दिया, बट स्टिल 18% की हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो ऐसी कंपनी में अपना पैसा डाल के रखते हैं और ये पैसा फ्यूचर में ऑटोमेटिकली अपने आप बनता रहेगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो दो कंपनी मुथूत और मन्नापूर्णा बड़ा अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ओके बहुत कम लेवल नीचे लेवल पर आपको मिल रहा है, बाय ऑन डिप्स करिए और पैसों को बढ़ाते रहिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा कुछ भी पोजीशन लेने से पहले, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको टाइम पे लाया जाए, जब टाइम हो खरीदने का तभी लाया जाए और आपको बताया जाए ताकि आपके और हमारे सबके पैसे बने। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।